देखिए हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं वो किसके लिए, तो रिपीटेड एक्शन के लिए। यदि कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि अगर हम कोई भी एक्शन बोल दे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ मंडे को, तो क्या बोलेंगे आप, आई प्ले क्रिकेट ऑन मंडे ट्यूजडे, कोई भी दिन लगा दें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे तो वो एक्शन फिर कैसा हो जाएगा, तो समथिंग हैपनिंग नाउ, यानी कि वो एक्शन उसी वक्त हो रहा होगा। अगर आप सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो फिर आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में उसको जो कि रिपीट होता हो बार बार, रिपीटेड एक्शन के लिए। लेकिन अगर आप बात प्रेजेंट कंटिन्यूस की करें तो इसमें आप वैसे एक्शन को बनाते हैं जो कि उस वक्त बोलने के वक्त हो रहा है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यदि आपको बोलना है रिपीटेड एक्शन कि मैं मंदिर जाता हूँ, हर हफ्ते मंदिर जाता हूँ, तो आई गो टू टेम्पल एवरी वीक। अगर आपको बोलना है कहीं मिल गया कोई, है ना, रास्ते में मिल गया, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो मंदिर जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या हो रहा है, वो घटना बोल रहे हैं, वो एक्शन बोल रहे हैं जो कि उसी वक्त हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, आई एम going to temple, okay? I am going to temple। दूसरा, यदि आप feelings को बताना चाहें, thoughts को बताना चाहें और facts को बताना चाहें, तो आप उसके लिए किस tense का use करते हैं, तो आप thoughts को बताने के लिए, feelings को बताने के लिए और facts को बताने के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। जैसे कि आपका कोई भी फीलिंग्स हो जाए, कोई भी थॉट्स हो जाए और कोई भी फैक्ट्स हो जाए, आई लव क्रिकेट, लव फीलिंग्स को बताएगा, तो फीलिंग को बताया तो इसमें, अगर थॉट को बताएंगे, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम क्या हो, सही हो। और यदि फैक्ट्स को बताएं, फैक्ट्स मतलब जो चीज़ें सब दिन सही है, जो चीज़ें हैं, तो आई हैव अ कंप्यूटर, तो आप थॉट्स के लिए, फीलिंग्स के लिए और फैक्ट्स के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। यदि आपने फीलिंग्स के लिए या फिर थॉट्स के लिए या फिर फैक्ट्स के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप ये तीनों नहीं बना सकते। आप फीलिंग्स को कि आई एम लविंग क्रिकेट आप यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ हालांकि घटना उस वक्त हो रहा हो, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, यू आर राइट, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अपना थाउट बता रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और फिर यदि आप फैक्ट बता दिए, आई एम हैविंग अ कंप्यूटर, तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तीनों सेंटेंस आपके गलत हैं। तो आप कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फीलिंग्स को, थाउट्स को या फिर फैक्ट्स को नहीं यूज करें। किसको, फीलिंग्स को, थाउट्स को और फैक्ट्स को कहाँ यूज करें, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट एक्शन के लिए ना, परमानेंट एक्शन के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करें, जबकि टेम्पररी एक्शन के लिए आप किसका यूज करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो वहां जो वो पूछ रहा है वो आपके परमानेंट एक्शन को पूछ रहा है कि आपका परमानेंट प्रोफेशन क्या है। तो यदि आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे आई रीड, यदि आप कहीं काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, तो आप बोलेंगे आई वर्क इन अ बैंक, या फिर आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंक पीओ, जो भी। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप बोलेंगे आई वर्क इन एन एजुकेशन सेक्टर, या इन एन एजुकेशन सेंटर। अगर आप एजुकेशन सेक्टर बोलेंगे तो फिर अ लगाने की जरूरत नहीं, आई वर्क इन एजुकेशन सेक्टर। तो जब आपको परमानेंट बोला जाए, सुना, वेयर डू यू लिव, कहाँ आप रहते हैं, तो फिर आपको परमानेंट, तो आपने
गांव में अगर आप परमानेंट रहते हैं, या तो पटना में आप परमानेंट हैं, या तो दिल्ली में आप परमानेंट हैं, लुधियाना में परमानेंट रहते हैं, तो जहाँ भी आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लुधियाना, आई लिव इन दुबई, जहाँ भी आप दुबई में काम कर रहे हैं परमानेंट, तो आई वर्क इन दुबई। लेकिन जो टेम्प्ररी एक्शन होगा कि अभी आप कहाँ हैं, पिछले कुछ दिनों से कहाँ हैं, तो आप किसको यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। जैसे कि आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली बट नाउ आई एम लिविंग इन पटना, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन अभी पटना में रह रहा हूँ, तो आपका परमानेंट एक्शन कौन सा हो गया? दिल्ली में रहने वाला, तो आपने यूज किया आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो इसका मतलब हो गया कि आप परमानेंट कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक ना, बट आई एम बट आई एम लिविंग इन पटना नाउ, तो यहां आप मतलब हो गया कि ये एक्शन आपका परमानेंट हो गया और ये एक्शन आपका क्या हो गया? टेम्पररी हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलचाल में भी आप ऐसा करते हो, नहीं करते, बहुत सारे लोग करेंगे, जैसे कि अभी जस्ट कोई शहर, बड़ा शहर में रहते हो और वहाँ से छोड़ के गाँव आ गए हो वापस, जैसे आप पटना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और फिर गाँव चले गए और वहाँ रहना छोड़ दिए, तो गाँव में आपके जो भी हैं आस पड़ोस के लोग वो पूछते हैं, ऐसे तो उनको पता होता है, या फिर कोई नया आदमी मिल गया तो पूछेंगे कि कहाँ रहते हैं आप, तो आप वहाँ पर अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, अपना एक प्रभाव बताने के लिए कह देते हैं वैसे तो मैं पटना में रहता हूँ लेकिन अभी फिलहाल घर पे ही हूँ। तो मतलब क्या हो गया कि आपने दो सेंटेंस बनाया कि मैं पटना में रहता हूँ अभी फिलहाल मैं घर पर हूँ, तो आपका एक जो हो गया परमानेंट वाला कि मैं पटना में रहता हूँ, दूसरा हो गया टेम्पररी वाला, कौन सा? कि मैं अभी घर पर रह रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप बोलेंगे, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपका जो मेन एक एम है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनका बदलते रहता है, वो कभी बैंक का फॉर्म आया तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म आया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का आया तो रेलवे का, फिर भी बोलने में वो एक फिक्स रखते हैं, ऐसे तो एसएससी का तैयारी करते हैं लेकिन अभी ना रेलवे आया तो रेलवे वाला कर रहे हैं, ऐसे तो बैंक का करते हैं अभी एसएससी वाला आया तो एसएससी का कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो दो सेंटेंस बता रहा है, एक परमानेंट और एक टेम्पररी, तो जो वो परमानेंट में बनाया वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी दिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हो, या तो सचिन तेंदुलकर तो अब रिटायर हो गए तो प्रेजेंट में नहीं पास्ट में बन जाएगा, मान लीजिए धोनी फुटबॉल खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा कि धोनी प्लेस क्रिकेट, चूंकि उनका परमानेंट जो है वो कौन सा है? क्रिकेट, बट ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, लेकिन अभी जो है वो क्या कर रहे हैं? तो फुटबॉल खेल, सॉरी प्लेइंग छूट गया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो ऐसे जो है क्रिकेट खेलते हैं परमानेंटली, टेम्पररी क्या कर रहे हैं? तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं क्या? परमानेंट और टेम्पररी एक्शन को, परमानेंट को सिंपल प्रेजेंट में, टेम्पररी को इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब एक पॉइंट और देख लें हम लोग इस दोनों के बीच में, एक पॉइंट आएगा ऑलवेज का यूज, किसका यूज? ऑलवेज का यूज या फिर फॉर एवर का यूज। तो ऑलवेज या फॉर एवर का यूज हम लोग दोनों टेंसों में करते हैं, ऑलवेज या फॉर एवर का यूज हम लोग दोनों टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। देखिए अंतर क्या होगा, जब आप इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो ये एवरी टाइम का मीनिंग देता है, और जब आप इसका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं तो ये टू ऑफन का मीनिंग देता है, दैट मीन्स कि जरूरत से ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे ऑलवेज के यूज को, तो एक एग्जांपल से देखें, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक हुआ, टॉपिक के बाद आप टेस्ट देते हैं तो क्या बोलेंगे आप कि आई या माई टीचर ना, माई टीचर ऑलवेज गिव्स अ टेस्ट। ध्यान देंगे टेस्ट में गिव और टेक दोनों का उल्टा मतलब हो जाता है, गिव अ टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट लेना, और टेक अ टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट देना। तो मेरे टीचर जो है प्रायः टेस्ट लेते रहते हैं, तो माई टीचर ऑलवेज गिव्स अ टेस्ट, चूंकि माई टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो गिव्स
तब यहाँ जो है मतलब हो गया क्या कि हर एक यूनिट के खत्म होने के बाद मेरे टीचर टेस्ट लेते रहते हैं। दैट मीन्स मेरे टीचर के टेस्ट लेने का जो तरीका है वो एक सही वे में है, एक ऑर्डर में है कि चैप्टर ख़त्म होता है फिर टेस्ट लेते हैं, चैप्टर ख़त्म होता है फिर टेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप बोर हो जाए यार जब देखो तो टेस्ट ही लेते रहते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, माई टीचर इज ऑलवेज गिविंग अ टेस्ट, माई टीचर इज ऑलवेज गिविंग अ टेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज गिविंग अ टेस्ट टू ऑफन, जब देखो तब ऐसा करते ही रहते हैं, वो टेस्ट लेते ही रहते हैं, माई टीचर इज ऑलवेज गिविंग अ टेस्ट। यदि आप बोलेंगे वो जो लड़का है वहाँ जो रहता है होना वाले घर में ना, वो बहुत अच्छा गाता है और हमेशा गाता है, तो हम बोलेंगे ही ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग, ही ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ ऑलवेज मीन्स क्या हो गया कि हमेशा गाता है, दैट मीन्स ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पे वो गाता है। लेकिन एट यार लड़का को जब देखो गाते ही रहता है, मतलब तो किसी लोगों को आदत हो जाता है, सुबह जगह उस वक्त से गाए जा रहा है। एक तो चलो सुरीला है तो लोग सुन भी लेगा आवाज़ होगा फटे पास की तरफ, फिर भी गाया जा रहा है, मतलब भक्त कर देता है, तो क्या होगा कि वो तो हमेशा गाते ही रहता है जब देखो तो आप यूज़ करेंगे क्या, ही इज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो जो है प्रायः गाते ही रहता है, मतलब हद कर दिया है। आप ऑलवेज के बदले फॉरएवर का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मीनिंग देगा। अब देखिए जब हम लोग इसका कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं तो कभी कभी ये एक्सीडेंटली का भी मीनिंग दे देता है, ठीक ना। जैसे बोलेंगे आई ऑलवेज मीट माई फ्रेंड, तो इसका मतलब हो गया कि मैं हमेशा अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब भी मिलने का ये आता है मौका आता है तो मैं मिलता हूँ, ऑन एवरी ओकेजन वी मीट। लेकिन बोलेंगे अगर आप आई एम ऑलवेज मीटिंग माई फ्रेंड, तो यहाँ हो जाता है एक्सीडेंटल कि पता नहीं क्या है, आजकल जब भी जा रहे हैं तो दोस्त से मिल ही जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ आपके मिलने का एक प्लान होता है और यहाँ आप एक्सीडेंटली मिल जाते हैं, ठीक ना। आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, पता नहीं क्यों यार जब देखो तो चाबी खो ही जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटली ऐसा हो जा रहा है आपसे और बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। तो दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, या तो एक्सीडेंटली हो या टू ऑफन का यूज हो। तो ऑलवेज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और यदि ऑलवेज एवरी टाइम का मीनिंग दे तो ऑलवेज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में।